पार्टी ने दुर्ग निगम आयुक्त आईएएस पर अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बदले की भावना के तहत कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए निगम के सामने किया प्रदर्शन। साथियों के साथ में एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेहरबान सर और जो आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला अध्यक्ष पूर्व रहे हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर एस के अग्रवाल सर, दोनों को कल निगम में जो निगम आयुक्त हैं उनके द्वारा मिसबिहेव करके पहले तो उनके चैम्बर में से बाहर निकाला गया। हम जन समस्याओं को लेकर वहाँ गए थे, हमने एक पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी थी आज से 15 दिन पहले और उसी के मामले में बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ उनको बाहर निकालने का बाहर चले जाने बोला बल्कि उसके तुरंत आधे घंटे बाद ही अपने दल बल को डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में भेज दिया कि नर्सिंग होम को सील कर दिया जाए। ये क्या आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हुए? अगर ये ऐसा कोई मामला बनता भी था तो वो उनका स्वास्थ्य मंत्रालय देखता, स्वास्थ्य विभाग के तहत ये सब कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सब इंटेंशनली किया हुआ काम था क्योंकि दोनों के दरमियान लगभग 40 से 45 मिनट का समय पार होता है। तो हमारी मांग है कि संबंधित इस पूरे प्रकरण पर जांच हो, एक कलेक्टरल जांच हो और जांच होने के बाद अगर कलेक्टर सर को सही लगता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बात कल की है, कल शाम 4 बजे हम लोग आयुक्त महोदय से मिलने गए थे। बाकायदा नियमानुसार हमने और मेहरबान जी ने पर्ची अंदर भेजी और मिलने का समय मांगा। 4 बजे से लेकर 5:10 तक हम बाहर बैठे रहे। इस बीच अनेक लोग अंदर जाते रहे और आते रहे। 5:10 पर हम अंदर गए, आयुक्त महोदय जी का हमने अभिवादन किया, नमस्ते किया। तो उन्होंने कहा क्या आप पार्षद हैं? मैंने कहा नहीं, हम पार्षद नहीं, हम आम आदमी हैं। उन्होंने छुट्टे साथ कहा आप लोग बाहर जाइए। हमने कहा भाई हम 4 बजे से बैठे हुए हैं, 5:15 बज गया है, उस तो टाइम आपके लिए हमको 2 मिनट का बात है। उन्होंने कहा नहीं आप बाहर जाइए। उसके बाद वहाँ कुर्सी खाली पड़ी थी, पीछे में हम बैठ गए वहाँ पर। जब दो पार्षद वहाँ बैठे थे, नीता जैन मैडम और श्रद्धा सोनी, उनकी बात पूरी हो गई। हमने महोदय जी से कहा कि आप हमारी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप लोग बाहर जाइए। हमने कहा ठीक है हम बाहर जाते हैं, अब सोमवार को टेंट में मिलेंगे। टेंट का नाम सुनते साथ उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों को देख लूँगा, आप लोग अपना नाम बताइए। मैंने नाम बताया, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल और मेहरबान जी। ये इस बात होते होते 5:30 बज गया। 5:30 बजे के बाद मैं जब घर पहुँचा, चाय पी के वापस क्लिनिक गया, तो मुझे 6:15 बजे मेरे स्टाफ का फ़ोन आता है, सर कलेक्टर महोदय आए हुए हैं, वे भवन अनुज्ञा की प्रति मांग रहे हैं। तो मैंने कहा भवन अनुज्ञा की प्रति हम दे देंगे, आप उससे नोटिस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नर्सिंग सील को सील कर रहे हैं। मैंने मेहरबान जी को बताया कि ऐसी बात है, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, आप ये जाके देखिए क्या बात है। मेहरबान जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेहरबान जी को कुछ धाराएँ बताई, उनको गाड़ी में बिठा दिया, मोबाइल छीन लिया। मुझे मेरे साथी का फोन आया कि मेहरबान जी को अंदर कर दिए हैं, आप भी आ जाइए। तो मैं तुरंत गया वहाँ पर, मुझे देखते साथ उन्होंने लक्ष्मण तिवारी जी ने कहा तुम अंदर बिठाओ, मोबाइल छीन लो। मैं भी गाड़ी में बैठ गया। उस बीच में मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने सबका साइन कराया, किस पे साइन कराया नहीं मालूम। इस दौरान करीब करीब 6:30 बज गया था, मेरी पत्नी और मेरी बेटी उस समय मार्केट गई हुई थी क्योंकि वो अभी बाहर जाने वाली है, तो वो पहुंची। उन्होंने उनको भी कहा कि आप इस पे साइन करिए। मेरी बेटी ने कहा मुझे हमें पढ़ने दीजिए क्या लिखा है। उन्होंने पेपर छीन लिया, बोले पढ़ने की जरूरत नहीं आप साइन करिए। तो उन्होंने मना किया मैं साइन नहीं करूँगा। अब ये सोचिए किस पेपर में साइन किया था, क्या लिखा था, किसी को नहीं मालूम, ना कोई नोटिस। और उन्होंने नर्सिंग होम बंद कर दिया। कोई बात नहीं, नर्सिंग होम बंद हो गया, नर्सिंग होम खुल जाएगा नहीं खुलेगा कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने हम दोनों को कोतवाली थाना ले गए, कोतवाली थाने में ले जाकर हमको अंदर बिठा दिया। क्या अपराध वहाँ से पूछे तो हम बोले पता नहीं, साहब जो बताएं आएंगे तो बताएंगे। करीब 2 घंटे बाद PI महोदय आए, उन्होंने हमको कक्ष में बुलाया, बोला सर बात क्या है। बोले हम भी तो वही जानना चाह रहे कि बात क्या है, हमको क्यों बिठाया गया है। बोले कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चले जाइए। हम लोग बाहर निकल गए। दो मरीज जो थे उनमें से एक का ऑपरेशन एक दिन पहले हुआ था, एक का